हाय गाइस, माय नेम इज अनुज जिंदल। वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव टू डेडिकेट फॉर करंट अफेयर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि करंट अफेयर्स कब स्टार्ट करें और करंट अफेयर्स को कितना समय दें डेली बेसिस पे। इट्स अ बिग क्वेश्चन बिकॉज सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी नंबर वन मिस्टेक अगर मैं बात करूँ, द मेजर मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इट दैट दे स्टार्ट their preparation with current affairs. And you all know that current affairs is never ending, but itna zyada enticing hota hai that you want to cover current affairs, know current affairs as much as possible. Monotony nahi aati hai, every day you're reading something new, therefore you get stuck in current affairs. And after probably 1 year, 1.5 year, 2 years, you realize yaar maine syllabus pe utna focus nahi kiya, aur actually exam to syllabus se hi ban ke aa raha hai, and that is where I'm losing. सरप्राइजिंगली बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक दो साल बाद भी ये रियलाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से दे कीप लूजिंग, दे कीप फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। सो अंडरस्टैंडिंग कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है करंट अफेयर्स से किस तरह से डील करना है, कब कवर करना है करंट अफेयर्स को। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि डेली बेसिस पे कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए करंट अफेयर्स को और कब पढ़ना चाहिए, व्हेन यू शुड बी स्टडिंग करंट अफेयर्स, दैट इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, नंबर वन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज डू नॉट स्टार्ट योर डे विद न्यूज़पेपर। कभी भी सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर से नहीं स्टार्ट करना है आपको, बिकॉज मॉर्निंग टाइम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर स्टडीज। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की, और इस प्रोडक्टिविटी को आप यूज कर रहे हो करेंट अफेयर्स पढ़ने में, जिसमें से 2 घंटे लगाओगे एक महीने के, तो प्रॉब्ली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वहां पे बनेंगे। नाउ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कम हो गया। सो इंस्टेड यू शुड बी यूजिंग योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ मॉर्निंग टू स्टडी समथिंग दैट इज डायरेक्टली रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाला है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आएगा, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस गोइंग टू बी हायर इन दैट टॉपिक, दैट इज द सिलेबस। सो वेर एवर यू आर स्टडिंग, वेन एवर यू आर स्टडिंग, मेक श्योर दैट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वेन एवर यू गेट अप एंड सिट डाउन फॉर योर स्टडीज, यू आर यूजिंग दैट टाइम टू कवर दी सिलेबस। सिलेबस कवर हो गया है तो उसको रिवाइज करने में टाइम लगाओ, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर मॉर्निंग टाइम इन रीडिंग द न्यूज़पेपर। मेजॉरिटी लोग ये गलती करते हैं, जब सिलेक्शन हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे, तब सुबह सुबह उठ के विद योर मॉर्निंग चाय यू कैन प्रॉबली रीड द न्यूज़पेपर, अभी वो समय नहीं आया है। तो क्वेश्चन आता है कि कब पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। द लीस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर डे इज टू बी यूज्ड टू कवर न्यूज़पेपर, बिकॉज जो भी आप पढ़ोगे वो हार्डली आपको एग्जाम में डायरेक्टली काम आने वाला है। You will be revising all of that through current affairs magazines also. जो भी opinion create करोगे वो बार बार repeat भी होगा, even if you miss today's newspaper or you don't remember whatever you read, वो एक दो दिन बाद फिर से कहीं ना कहीं news में आएगा ही आएगा। So use the least productive time of your day for covering newspaper, जो कि होता है evening चाय का। In fact रात का समय भी थोड़ा ज़्यादा productive होता है, because you're about to go to sleep, तो आप चाहते हो कि एक अच्छे note पे you end your day, therefore that is also a productive time. But the evening time, when you've already exhausted your energy, mental framework पढ़ने का नहीं है, आपका थोड़ा chill करने का, relax करने का मन है, तो that is the time when you should be reading your newspaper. और evening chai में I remember myself and I know majority students, 99% students do not study anything, do not read anything with their evening chai. वो time pass ही करते हैं, एक दूसरे से time pass करते हैं, कुछ ना कुछ गप्पे मारते हैं। Why not use that time to do something which is relevant for the examination? Because at the end of the day, you are in a war. ओके और इस वॉर को जीतना है, देन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज इंपॉर्टेंट। दिस डजंट मीन कि आप अपने आप को प्रेशराइज करो, बट एट द सेम टाइम बी स्मार्ट। इवनिंग चाय जहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यू मस्ट डू द ऑपोजिट, ट्राई एंड यूटिलाइज दैट टाइम। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं विच इज रेलिवेंट हेयर, जिससे पता लगेगा कि हमें करंट अफेयर्स में कितना टाइम लगाना है। नाउ फर्स्ट पॉइंट से हमें पता लग रहा है कि ऑटोमेटिकली जो हमारा टाइम इन्वॉल्व है करंट अफेयर्स में वो कम हो जाएगा, बिकॉज नंबर वन यू आर नॉट यूजिंग योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, एंड नंबर टू यू आर ऑल्सो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू कैन गिव टू करंट अफेयर्स, बिकॉज आप बस इवनिंग चाहे 5 से 6, 5 से 7 इस टाइम को यूज करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, पॉइंट नंबर टू, नो नीड टू मेक सेपरेट नोट्स फ्रॉम न्यूज पेपर। ये बहुत बड़ी गलती है जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स आज भी कर रहे हैं। 5, 6 साल, 10 साल पहले ये खत्म हो चुका है ट्रेंड न्यूज पेपर से नोट्स बनाने का। इफ यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक, आपका सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना लिखें, व्हाटएवर यू रीडिंग इन द न्यूज़पेपर यू डोंट नोट डाउन एनीथिंग। इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन, ईदर और सिचुएशन की या तो नोट्स बनाने हैं तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाने, नहीं बनाने तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी नोट्स एट ऑल, ऐसा नहीं है।
you need to make some notes from the newspaper, but the orientation has to be different. Let me explain किस तरह के notes बनाने और किस तरह के नहीं बनाने. जो भी information related notes हैं वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है from the newspaper in the first instance. मतलब जैसे ही newspaper में कुछ पढ़ा, कोई information पढ़ी, ज़रूरत नहीं है उसके notes बनाने की. But when you're reading the same information from a magazine, Vision से पढ़ रहे हो, IAS Parliament से पढ़ रहे हो, Insight से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, you're going through a magazine, monthly magazine, वहाँ से current affairs पढ़ रहे हो, at that time you're reading the same information, you're going through the same information, this is the moment that you can take to note it down in your notes. But यहाँ पे notes कैसे होंगे वो important है. एक तो आपके notes होंगे online, please do not make notes on paper. बहुत सारे students बोलते हैं सर मुझसे तो paper पे ही comfortable है. भाई comfortable होगा, but exam is not based on your comfort, exam is based on reality. तो अगर ऑफलाइन नोट्स बनाने की आदत है वो आदत को चेंज करो. प्लीज चेंज दैट हैबिट बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम. नंबर वन इज ऑनलाइन. नंबर टू, जब भी आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हो यू डिवाइड योर एंटायर जीएस इनटू डिफरेंट नोट्स, मतलब इनटू डिफरेंट बुक्स. लेट्स से मैंने अपने ऑनलाइन नोट्स में एवर नोट में या फिर वन नोट में या फिर नोशन में मैंने बुक्स बना ली. नाउ दिस इज द बुक ऑफ हिस्ट्री, दिस इज द बुक ऑफ ज्योग्राफी, दिस इज द बुक ऑफ इंडियन सोसाइटी, दिस इज द बुक ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस, ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस. ऐसे मैंने बहुत सारी बुक्स बना ली, जीएस 1, 2, 3, 4. I read something related to Harappa organization, Harappa civilization, not organization. और कुछ current affairs में आया है Harappa civilization के बारे में. I go to my notes in history and I look for wherever there is ancient history and वहाँ पे Harappa civilization के बारे में कुछ है कि नहीं है. उस area में मुझे वो current affairs के notes को डालना है. It is a very small activity. It's going to take probably 1 minute, 2 minute. पहले एक महीना हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा समय ले, फिर बहुत कम हो जाएगा वो time, ठीक है ना. और सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है because anyways you will be going through those magazines again and again, you will be revising them, so you don't have to put everything down in these notes. Jo bhi aapko lagta hai ki bahut zyada relevant hai syllabus point of view se, and let's say koi landmark judgment aaya hai, so you can include that in polity and governance, ya fir khali polity mein dal sakte ho, because wo landmark judgment na saal mein 3-4 hi aate hain, you might not be able to remember it. Kisi article se connected hai, article 21 se connected hai, article 14 se connected hai, 32 judicial review se connected hai, you can put it there itself. It will automatically help you recall it if you're writing something on article 21 in the exam, ठीक है ना. तो आपको वो कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी बात बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, इंटर कनेक्शन बनाओ. भाई अपने आप तो नहीं बनेंगे, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर इट. और ट्रेनिंग इस तरह से ही आप कर सकते हो, यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो नीड टू मेक सेपरेट नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर. कंबाइन योर सिलेबस नोट्स विद न्यूज़पेपर नोट्स ऑनलाइन. जो मैंने बोला अभी, सिलेबस नोट्स को किस तरह से आपको अपने करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर नोट्स से कंबाइन करना है, ऑटोमेटिकली दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर डेडिकेटिंग फॉर करंट अफेयर्स. आपको उतना ज़्यादा समय अभी नहीं लगाना पड़ेगा करंट अफेयर्स के को कवर करने में डेली बेसिस पे. वाई? बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में नोट्स नहीं बना रहे हो, यू रिलाइंग ऑन दीज मैगजीन्स फॉर इन्फॉर्मेशन. जो भी आपका ओपिनियन बेस्ड बेस बन रहा है उसको भी आप, यू कैन नोट इट डाउन कंबाइनिंग विद योर सिलेबस नोट्स. जैसे कि आर्टिकल 21 पे कुछ यू रिटन सम इन्फॉर्मेशन and now there is an opinion in the newspaper and you feel that that opinion is important, अच्छा लग रहा है आपको, rational लग रहा है, so you can put it down in your polity notes then and there, ठीक है. Article 21 में गए, उसके नीचे वहाँ पे opinion करके डाल दिया. newspaper का time भी डाल सकते हो, so that you can come back to that newspaper, date डाल दी newspaper की, और ये opinion आया था, this was the opinion that I read and I liked it, this is how it is rational, तो वो डाल सकते हो. when you are revising your syllabus from those notes, automatically you will be able to recall that opinion, because that opinion you will not find in your मैगजीन. ऑल्सो मैगजीन में इन्फॉर्मेशन होती है, बस ओपिनियन नहीं होता है. ओके, आई होप दैट मेक सेंस. पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, यूज मंथली मैगजीन्स फॉर इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़पेपर फॉर ओपिनियन. इससे ऑटोमेटिकली द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू डेडिकेटिंग फॉर करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस विल गो डाउन, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, वेन एवर यू गोइंग थ्रू एन इन्फॉर्मेशन यू आर टेलिंग योर सेल्फ देर आर वेरी हाई चांसेज दैट आई फाइंड इट इन मंथली मैगजीन, आई डू नॉट हैव टू नोट इट डाउन, आई डू नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड मूव ऑन, बिकॉज एनी वेज मैं वो मंथली मैगजीन में ये पढ़ने ही वाला हूँ. जहाँ पर भी ओपिनियन मिला वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट, इफ पॉसिबल ट्राई एंड इनकलकेट इट इन योर सिलेबस नोट्स एज वेल, विच हैव ऑल्सो हैव टू बी ऑनलाइन. प्लीज ऑफलाइन नोट्स नहीं बनाइएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, मेसअप हो जाएगा सब कुछ, खिचड़ी पका लोगे और फिर वो खा भी नहीं पाओगे. पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, अल्टीमेटली कितना टाइम देना है पूरे दिन में. 2 hours पर डे इज मोर देन इनफ. 2 hours भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, I would recommend somewhere between 60 minutes to 90 minutes maximum. उससे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है. You should not do it because
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है उतना। अल्टीमेटली योर ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। कॉस्ट यहाँ पे क्या है आपका, टाइम। बेनिफिट क्या है, मार्क्स। ठीक है, तो जितना भी टाइम लगा रहे हो, इफ इट इज नॉट कन्वर्टिंग इन टू मार्क्स, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। जो भी आपको आईएएस बनने के बाद कर लेना, जो भी आपको 2 घंटे 3 घंटे न्यूज पेपर पढ़ना है, 10 न्यूज पेपर पढ़ने, प्लीज डोंट डू इट बिफोर दैट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो 2 hours इज ऑल्सो ऑन द अपर साइड, 60 minutes to 90 minutes इज मोर देन एनफ। ओके, डू नॉट, सेकेंडली डू नॉट ट्राई ओवर मिसिंग न्यूज पेपर आर्टिकल्स। कई बार क्या होता है, संडे को नहीं पढ़ पाए, ट्यूजडे को शादी में चले गए नहीं पढ़ पाए, तबियत खराब हो गई, एक हफ्ते का न्यूज पेपर छूट गया, प्लीज डोंट स्टार्ट कलेक्टिंग देम एंड स्टार्ट रीडिंग देम, डोंट मेक दैट मिस्टेक। मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं आज भी एंड इट इज नॉट हेल्पिंग, सो प्लीज डोंट डू इट। जो भी छूट गया है, व्हाटएवर यू हैव मिस्ड, यू कैन कवर इट फ्रॉम मंथली मैगजीन्स। ओके, 100% की जगह 60% भी आ जाएगा, कवर हो जाएगा मैगजीन्स में, इट इज मोर देन एनफ। बट कवरिंग 1 week's न्यूज पेपर विल टेक योर एंटायर डे, एक दो दिन खा जाएगा और उसका बेनिफिट भी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इट्स बेटर टू कीप कवरिंग योर सिलेबस, कीप फोकसिंग ऑन योर सिलेबस पार्ट। ओके, तो दीज आर द 4 major points थ्रू विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ मच टाइम टू डेडिकेट टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज करेंट अफेयर्स। प्लीज कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड, और कोई क्वेरी होती है करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, कहाँ से कवर करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, यू कैन मेंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ओके, यू कैन ऑल्सो फाइंड माई वीडियोज, द सेम वीडियोज ऑन यूपीएससी बाय अनुज जिंदल यूट्यूब चैनल। If you're watching this video on my old channel, which is called as Anuj Jindal only, so you can go to this channel, UPSC by Anuj Jindal. Here you will find UPSC dedicated videos only. So you will not have to filter out. You will not have to look for my videos on UPSC. You will find them here only. I'm simultaneously putting all my UPSC videos also on this new channel. Channel ki details aapko about mein bhi mil jayengi, channels mein. And you can also search it on YouTube. You'll easily find it. Okay. So this was about this session. I hope you liked it. कॉमेंट सेक्शन में बताओ जो भी डाउट्स हैं, जो भी फीडबैक है। इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।